2013 ये वो तारीख थी जब उत्तराखंड में तबाही आई थी। आपको उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा की तस्वीर याद होगी, साथ इतना पानी नीचे आया कि सब कुछ अपने साथ बहा लेकर गया। बिल्कुल, वो तस्वीरें कोई नहीं भूल सकता। पूरे हिमालय क्षेत्र में 15,000 ग्लेशियर और 9,000 झीलें हैं, लेकिन इनमें से जो झीलें सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, अब उनसे होने वाले खतरे को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शायद अब दोबारा ऐसा प्रलय वाला दृश्य ना दिखे। केदारनाथ आपदा जैसी कयामत फिर से ना टूटे, हिमालय से हाहाकार मचाने वाली तबाही नीचे जमीन पर ना उतरे और हजारों बेगुनाह अकाल मौत का शिकार ना हो, क्योंकि अब केदारनाथ जैसी त्रासदी को कंट्रोल करने का हथियार मिल गया है। इस हथियार के इस्तेमाल के बाद हिमालय की झीलें अब तबाही का कारण नहीं बनेंगी। केदारनाथ आपदा से सबक लेते हुए उत्तराखंड के सभी ग्लेशियर और आसपास की झीलों में सेंसर रिकॉर्डर लगाने शुरू कर दिए गए हैं। 329 झीलों में से 70% पर काम पूरा हो चुका है। दरअसल केदारनाथ में कुदरत ने जो कहर बरपाया, भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए उत्तराखंड में सभी ग्लेशियरों का सर्वे किया गया। इसमें 329 झीलें संवेदनशील मिली, उन पर सेंसर लगाने का काम हो रहा है, क्योंकि केदारनाथ तबाही के वक्त झील में ग्लेशियर से हिमस्खलन होने के बाद ही ये तांडव मचा था। लेकिन अब सवाल यह है कि ये सेंसर लगाने के बाद आपदा को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा। अब जरा ये भी समझ लीजिए, सेंसर लगाने से फायदा ये होगा कि जैसे ही झील का जलस्तर बढ़ेगा, बादल फटेगा या हिमस्खलन होगा, संस्थान के कंट्रोल रूम को सिग्नल मिल जाएंगे, तब वैज्ञानिक तुरंत झील को पंक्चर करने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। खतरे का आकलन कर विशेष वाटर पंप से ऊपरी सतह से पानी निकाला जाता है, साथ ही झील के एक तरफ खुदाई कर छोटा आउटलेट बनाया जाता है ताकि धीरे धीरे पानी निकलता रहे। उम्मीद है सेंसर लगाने का काम पूरा होने के बाद केदारनाथ जैसी तबाही को रोकने में मदद मिल सकेगी। साथ ही उत्तराखंड में ये प्रयोग सफल होने के बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तकनीक के इस्तेमाल से केदारनाथ जैसी आपदा के वक्त जान और माल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।